नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल एवी इलेक्ट्रॉनिक्स में। आज मैं आपको जो है बैलेंस का कनेक्शन करके दिखाऊंगा कि किस तरह से बैलेंस का कनेक्शन करते हैं। ठीक है, तो वीडियो में आखिर तक बने रहे। अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन की बेल आइकन को ऑल पे सेट करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने सारा सेटअप कर लिया है। ठीक है, यहाँ पर जो है 6283 का बोर्ड है, जैसा कि पहले होता था सेटअप। ठीक है, सारा कुछ मैंने कनेक्शन कर लिया है, सिर्फ बैलेंस का कनेक्शन मैं आपको दिखाने वाला हूँ। अगर ये नहीं करता तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाता। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, बैलेंस का कनेक्शन बहुत ही सिंपल है। ठीक है दोस्तों, बहुत ही सिंपल है। आप देख सकते हैं 3 वायर ऐसे आपको, एक 100K या 50K 47K, तीनों में से आप कोई भी पोटेंशियोमीटर ले सकते हैं। ठीक है, इस तरह से 3 वायर आपको लगा लेना है सबसे पहले, और बाकी जो कनेक्शन है आप देख सकते हैं नॉर्मल है। मैंने यहाँ पर मॉड्यूल कनेक्ट किया है और ये वॉल्यूम है, ये मेरा ऑडियो इनपुट यहाँ पर चला गया है। ठीक है, ये दोनों स्पीकर है, दो साइड के, लेफ्ट और राइट। ठीक है, यहाँ पर इसका पावर सप्लाई मैं दूंगा, और फिर उससे पहले पावर सप्लाई को चलाने से पहले यहाँ पर मैं आपको इस बैलेंस का कनेक्शन करके दिखाऊँगा। ये मैं बैलेंस के लिए यूज़ करूँगा। दोस्तों, बैलेंस आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मैं आपको बता देता हूँ। आपने देखा होगा कहीं एम्पलीफायर में, बहुत सारे एम्पलीफायर में जो है बैलेंस का एक दिया होता है रेगुलेटर यहाँ पे। तो इसे आप इस तरफ से मोड़ेंगे तो आपका लेफ्ट वाला जो है स्पीकर बजेगा और राइट वाला बंद हो जाएगा। ठीक है, इसको आप एडजस्ट कर सकते हैं, आपको किस में ज़्यादा साउंड चाहिए, राइट चैनल में या लेफ्ट चैनल में। तो इसी के लिए ये बैलेंस होता है। ठीक है, लेफ्ट चैनल और राइट चैनल के बीच में जो ऑडियो होता है उसको बैलेंस करने के लिए, इसको इस वाले स्पीकर में आपको ज़्यादा आवाज़ चाहिए या इसमें, तो इस तरह से आप बैलेंस कर सकते हैं। बीच में रखेंगे तो आपका दोनों में सेम आवाज़ आएगा, राइट और पूरे राइट में रखेंगे तो आपका ये चैनल बजेगा, ये बंद हो जाएगा या फिर कम बजेगा, और पूरे लेफ्ट में करेंगे तो ये वाला बजेगा, ये वाला बंद हो जाएगा। तो सिंपल है, इसका कनेक्शन किस तरह से करना है वो मैं आपको बताता हूँ। सिंपल सा है, 3 वायर आपको इस तरह से कनेक्ट कर लेना है, और दोस्तों बहुत ही सिंपल है, कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, जहाँ पर आपका ऑडियो इनपुट होता है ऑडियो बोर्ड में, 6283 हो, 4440 हो, कोई सा भी ऑडियो बोर्ड हो, जहाँ पर आपका ऑडियो इनपुट होता है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं लेफ्ट, ग्राउंड और राइट, ये ऑडियो इनपुट है जैसा कि आपको पता है 6283 में। ठीक है, तो वहीं पे ही सिंपल आपको सेम टू सेम कनेक्शन कर लेना है। ठीक है, स्ट्रेट टू स्ट्रेट 3 वायर ऐसे ही लगेगा, स्ट्रेट टू स्ट्रेट ऐसे ही कनेक्ट कर देना है, लेफ्ट, ग्राउंड और राइट। ठीक है, बीच वाला आपका ग्राउंड रहेगा। तो यहाँ पर मैं इसको कनेक्शन कर लेता हूँ, यहाँ पर राइट हो गया, यहाँ पर मैं ग्राउंड का कनेक्शन कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं ग्राउंड का कर लिया हूँ, आप देख सकते हैं, और यहाँ पर जो है वो लेफ्ट चैनल का यहाँ पर कर लेता हूँ। तो हो गया, देख सकते हैं जहाँ पर ऑडियो इनपुट होता है सिंपल सा, आपको वहीं पर ही इसको कनेक्ट कर देना है और कुछ भी नहीं करना है, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, तो चलिए मैं आपको पावर सप्लाई इसका दे देता हूँ, ऑडियो बोर्ड का और इस मॉड्यूल का। ठीक है, मॉड्यूल को मैं बैटरी से ऑन करूँगा, यहाँ पर मेरा बैटरी है। तो चलिए मैं इसको पावर सप्लाई दे देता हूँ, फिर आपको जो है दिखाऊँगा कि इसको कैसे करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों मैंने ऑडियो बोर्ड को पावर सप्लाई दे दिया, अब मैं मॉड्यूल को पावर सप्लाई दे देता हूँ। मॉड्यूल को मैंने पावर सप्लाई दे दिया है, ये ऑन हो गया है, देख सकते हैं। आपको ध्यान रखना है दोनों स्पीकर पे, मैंने यहाँ पर डाला हुआ है। ठीक है, तो आप देख, आप इससे जान पाएंगे कौन सा स्पीकर जो है आवाज़ कर रहा है, कौन सा स्पीकर डाउन है। तो यहाँ पर मैंने सबवूफर का यूज़ किया है ताकि आपको अच्छे से पता चले, एक साइड पर सबवूफर, एक साइड पर ट्विटर का यूज़ किया है मैंने। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ पर पेन ड्राइव लगाता हूँ। तो यहाँ भी मेरा जो लेफ़्ट चैनल है वो बज रहा है। ठीक है दोस्तों, देख सकते हैं लेफ़्ट चैनल वाला मेरा बज रहा है। ठीक है, और राइट वाला बंद है। तो यहाँ पर मैं इसको एडजस्ट करता हूँ राइट साइड पे, अब देख सकते हैं लेफ़्ट वाला धीरे धीरे कम हो जाएगा और राइट वाला बजना चालू हो जाएगा। अब देख सकते हैं लेफ़्ट वाला बंद हो गया है और राइट वाला मेरा चालू हो गया है दोस्तों। तो इस तरह से इसको मैं फिर से बाएँ तरफ मोड़ दूँगा और बीच में रखूँगा तो दोनों में आवाज़ आएगा। अभी दोनों चल रहा है। ठीक है दोस्तों, अभी दोनों चल रहा है,
अभी मैं फिर से पूरा जो है लेफ्ट के और इसको एंटी क्लॉकवाइज मोड़ दूंगा। तो देख सकते हैं यहाँ पर मेरा लेफ़्ट वाला ही जो है साउंड कर रहा है। अभी मैं राइट साइड को इसको दे देता हूँ। अभी मेरा लेफ़्ट वाला पूरा बंद हो चुका है। अगर आप इसको बीच में रखेंगे तो आपका दोनों जो है वो आवाज़ का आएगा, लेफ़्ट राइट दोनों। तो बहुत ही सिंपल कनेक्शन है दोस्तों, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं बहुत ही सिंपल कनेक्शन है, ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं, ठीक है, सिंपल सा कनेक्शन है। आपको तीन वायर लेना है, इसको कनेक्ट कर लेना है और डायरेक्टली जहाँ पर ऑडियो इनपुट होता है वहीं पे आपको कनेक्ट कर देना है, सिंपल स्ट्रेट टू स्ट्रेट, ठीक है। यहाँ पर देखिए मैंने स्ट्रेट ही कनेक्शन किया है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। जो वॉल्यूम में होता है हमारा इस तरफ का जो है ग्राउंड होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर ग्राउंड जो है बीच में रहेगा और लेफ़्ट राइट दोनों इस तरफ रहेगा, ठीक है। तो इसको आप किसी भी एम्पलीफायर बोर्ड ऑडियो बोर्ड में ट्राई कर सकते हैं, जैसा कि 4440 हो, 6283 में मैंने अभी आपको करके दिखाया है। आप 4440 हो या 7297 हो, किसी भी ऑडियो बोर्ड में जहां पर इनपुट होता है बैलेंस का कनेक्शन कर सकते हैं। और बेस का तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, अगर वो वीडियो आपने देखा नहीं है तो आप उससे जाकर मेरे चैनल पर देख सकते हैं। और जो 6283 और पैनल का कनेक्शन या वायरिंग का वीडियो भी अलग से बना हुआ है दोस्तों, जाके चैनल पे विज़िट कीजिए और उस वीडियो को भी देखिए। काफ़ी डिटेल के साथ मैंने वहाँ पर आपको समझा है कि किस तरह से 6283 का कनेक्शन करना है और पैनल का भी कनेक्शन किस तरह से करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो जाइए वीडियो को एंजॉय कीजिए और बैलेंस का कनेक्शन करके मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट में कि आपको कैसा लगा। और ये वीडियो कैसा लगा तो दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताइएगा और अपने दोस्तों के साथ लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं और एक वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। नमस्कार, जय हिंद।